ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे द ड्रग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्टिया स्पाइकेटा, है ना। तो आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज की अगली कड़ी में एक दवाई है एक्टिया स्पाइकेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेशन है जहाँ हम एक्टिया स्पाइकेटा को यूज कर सकते हैं। तो एक्टिया स्पाइकेटा बेसिकली इस को प्रूव किया था पेट्राज ने। किसने प्रूव किया था? पेट्राज ने प्रूव किया था। ये भी एक रेनेनकुलेसी फैमिली की मेडिसिन है ना, जो कि एक ये फ्लावरिंग हार्वेशियस प्लांट है। इट हैज स्पेशल एफिनिटी एंड स्मॉलर जॉइंट। ये बेसिकली इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर रूमेटिज्म, रूमेटिज्म स्पेशली ऑफ स्मॉलर जॉइंट। जो स्मॉल जॉइंट का रूमेटिज्म होता है ना, रिस्ट है, फिंगर्स है, अपर लिम की फिंगर हो चाहे लोअर लिम की फिंगर हो, वहाँ इट हैज वेरी गुड एक्शन। इसका बहुत अच्छा रोल है। इन्फ्लेमेट जरा सा भी जो है तो कुछ एक्सरसाइज या काम कर लेता है तो जॉइंट स्वेल हो जाते हैं। इसका जो एक इसकी जो मॉडलिटी है वो ये है कि स्लाइटेस्ट टच एंड एक्सरसाइज से इसकी कंप्लेन बढ़ती है, मोशन से इसकी तकलीफ बढ़ती है ना, मूवमेंट से इसकी तकलीफ बढ़ती है। जो पेन का करेक्टर रहता है, ड्राइंग टाइप का पेन रहता है, सेपरेटिंग एंड पुलिंग, इसके जो पेन का करेक्टर रहता है ड्राइंग टाइप का पेन रहता है, टीयरिंग पेन रहता है, ऐसा लगता है जैसे जॉइंट्स फट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अपनी जगह से, इस तरह का पेन होता है। इस विथ पैरालिटिक वीकनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट अफेक्टेड होगा ना तो उसमें इतनी ज़्यादा कमजोरी होगी, इतनी ज़्यादा कमजोरी होगी कि एज इफ द ऐसा इतनी ज़्यादा कमजोरी होगी कि उसको लगेगा कि उस वो पार्ट पैरालाइज हो चुका है पूरी तरह से। यदि इसका मेंटल स्टेट देखें तो हमेशा इसको फियर ऑफ डेथ रहता है, स्पेशली एट नाइट, है ना, रात में इसको मरने का भय रहता है। यदि इसके हेड का सिम्टम देखें तो टिंगलिंग सेंसेशन इन द हेड, हाइवनेस इन द हेड, फोरहेड फील्स एम्प्टी व्हेन स्टूपिंग, जब वो झुकता है ना तो उसको फोरहेड ऐसा लगता है कि यहाँ खाली खाली है, ऐसा सेंसेशन रहता है, बैक एंड सेंसेशन लगता है इसको फोरहेड। जब एक टीथ का सिम्टम्स है कि पेन फ्रॉम डिकेड टीथ टू टेम्पल, है ना, टीथ से टेम्पल तक इसका जो है तो दर्द जाता है, टीथ का एक सिम्टम्स है पेन फ्रॉम डिकेड टीथ विच एक्सटेंड टू द टेम्पोरल रीजन, टेम्पल तक जाता है इसका। एक्सट्रीमिटीज स्पेशली यदि इसमें देखें अपन जॉइंट्स अपर लिम एंड लोअर लिम के, तो वो मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, स्मॉल जॉइंट है ना। पेन आर सेपरेटिंग, ड्राइंग एंड टीयरिंग टाइप का पेन होता है, है ना। स्लाइटेस्ट मोशन, टच एंड एक्सरसाइज से जो है तो इसको स्वेलिंग बढ़ जाती है, इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है सब। इसमें जो जनरली पार्ट अफेक्टेड होता है तो राइट साइड का पार्ट ज़्यादा अफेक्ट होता है, राइट शोल्डर्स, राइट रिस्ट एंड राइट हैंड आर मोस्टली अफेक्टेड। तो राइट साइडेड मेडिसिन से इसको आप कह सकते हैं कि राइट साइड का पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड होता है ना। पल्सेशन, बर्निंग, टिंगलिंग इन द लीवर एंड किडनी रीजन, है ना, लीवर एंड किडनी रीजन में भी इसको पल्सेटिंग एंड टिंगलिंग टाइप का सेंसेशन रहता है। यदि इसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक डिस्कस करें तो एक्टिया स्पाइकेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो ये है, डिल्यूजन फेल एवरीथिंग बिल, डिल्यूजन फेल एवरीथिंग बिल, फियर ऑफ बीइंग एलान, फियर ऑफ डेथ स्पेशली एट नाइट, इम्पेशेंस, इनकंसिस्टेंसी, लेमेंटिंग। यदि इस तरीके की टोटलिटी है तो इट इज ए वेरी स्मॉल ड्रग, तो यू कैन यूज एक्टिया स्पाइकेटा विथ एन एक्सीलेंट रिजल्ट, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।